नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को मिटाकर उसी तार से एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की त्रिज्या एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने पहले कहा कि एक तार था जिससे एक वर्ग बनाया हुआ था, ठीक है, पहले तो एक वर्ग बनाया हुआ था जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब इसी वर्ग को मिटाकर उसने उसी तार से एक वृत्त बना दिया है, ठीक है, तो उसी तार से उसने एक वृत्त बना दिया है। तो उसने हमसे पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या और उस वृत्त का क्षेत्रफल ये हमें बताइए, ठीक है, उस वृत्त की रेडियस और उस वृत्त का एरिया हमें बताइए उसी तार से इस वर्ग से इस वृत्त को उसने बना दिया है, ठीक है। तो अब इसमें पहले क्या दिया गया है, इसमें हमें वर्ग की भुजा दी गई है, बराबर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इससे क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। क्या होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 11 यानी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक वर्ग का परिमाप निकल के आया 44 सेंटीमीटर, यानी इस वर्ग की चारों तरफ की परिधि निकल के आ गई। अब जो वर्ग की परिधि होगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि उसी तार से उसने एक वृत्त को बनाया है। तो क्या होगा, जो वृत्त की परिधि होगी किसके बराबर होगी, ए वर्ग के परिमाप के। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप कितना निकल के आया, वह निकल के आया 44, ठीक है। हम यहां पर सिर्फ r को रखेंगे, यहां 44/2π, पाई की वैल्यू रख देंगे, 44/2 × 22, और जो 7 रहेगा वह ऊपर चला जाएगा, काट देंगे 2 से काटेंगे 22 आएगा, और 22 से काटेंगे कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई, वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों को बराबर करना पड़ा, क्योंकि जिस तार से इस वर्ग को बनाया गया था उसी तार से इस वृत्त को भी बनाया गया है। अब आगे चलते हैं, दूसरे पूछा उसने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 निकल के आई, स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब यहां से इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, बचेगा 22 और 7, 7 का गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के कितना आया, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार और आप देख लीजिए, प्रश्न था कि एक 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को मिटाकर उसी तार से एक वृत्त बनाया गया है, तो जिस तार से इस वर्ग को बनाया गया था उसी तार से इस वृत्त को बनाया गया है, यानी कि जो तार की लंबाई होगी वो बराबर रहेगी। तो इसमें तार की लंबाई क्या कहलाएगी, वर्ग का परिमाप, और उसमें तार की लंबाई क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि, इसलिए हमने यहाँ वृत्त की परिधि को वर्ग के परिमाप बराबर किया है, ठीक है। इस करने से हमें यहाँ त्रिज्या फाइंड हो गई, जो कि त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या निकल आई तो त्रिज्या की सहायता से हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, 154
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।